हम लोग आज करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस इन सी वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्युलरिटी टू द सी प्रोग्राम। In other words, we can say that the collection of function creates the program. The function is known, also known as procedural or subroutine in other programming languages. Okay. C programming में functions, यहाँ पे हम लोग एक function हमेशा लिखते हैं void main. वो function जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कुछ एक स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस हम लोग लगाते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। तो जो भी एक फंक्शन होता है, हम लोग उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मतलब एक फंक्शन जो होगा उसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स जो होगी एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसको हम लोग प्रोसीजर या फिर सब रूटीन भी बोलते हैं। प्रोसीजर या फिर सब रूटीन भी हम लोग बोलते हैं। ओके, अब फंक्शंस हम लोग यहाँ पे क्यों बनाए हैं? ताकि हम लोग को बार बार कोड ना करना पड़े। लाइक हम लोग को दो नंबर्स को ऐड करना है। अब दो नंबर्स को हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? बार 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 a प्लस बी एस प्लस बी इस टाइप को हम लोग लिखते जाएंगे और दो नंबर को ऐड करते जाएंगे। अगर हम लोग कुछ ऐसा वहां मेथड बना ले जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो नंबर पास करें और ऐड करके हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो कोड वहां पे लिखे हैं वो हम लोग को बार बार नहीं देना पड़ेगा। वहां पे सिर्फ हम लोग को दो नंबर देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऐड करके हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा हम लोग कुछ मोबाइल्स में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, हम लोग वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ क्लिक करते हैं और काम हो जाता है। अब काम कैसे हो रहा है? वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रकार के फंक्शंस बनाए गए। अगर वहां पे अगर मैं बात करूं तो वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो किसी भी एक सॉफ्टवेयर को, किसी भी एक एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करेंगे? मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। और हम लोग किसी भी एक प्रोग्राम को हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसके कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अगर मान के चलो हम लोग कोई एक ऐसा मेथड बनाए जो प्रिंट कर रहा है, कोई मान लो कोई भी एक सेंटेंस प्रिंट कर रहा है, हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? प्रिंटएफ लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने प्रिंट एफ में लिखा डबल कोट्स के अंदर, लाइक मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसके स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप के लाइंस आए, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसे लाइंस आए। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के सीधा कॉपी करके जहां जहां मुझे लिखना है वहां वहां पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐसे करूंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे चार बार इसको करना है, अगर वही यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हो, यहाँ पे अगर मैं प्रिंटर बहुत सारा, अगर मुझे कुछ 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 एग्जीक्यूट कराने हैं, ठीक है, मतलब मान के चलो ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को हम लोग को हर बहुत बार कॉल करना पड़ रहा है, मतलब बहुत बार हम लोग को यूज आ रहा है इसका। तो हम लोग किसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं। क्या बना देंगे? जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ void lines, इस टाइप का एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन के अंदर में मैं इसको क्या कर दूंगा, तीनों स्टेटमेंट को लिख दूंगा। सिर्फ हमारा काम रहेगा इस लाइन को कॉल करना। मैंने इस फंक्शन के अंदर इन तीनों को रख दिया,
जब भी मैं इस लाइन को कॉल करूंगा, अब मेरा काम बस इतना ही है। जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूं, तो ये 3 लाइन ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को हम लोग जब मर्जी चाहे तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग को 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन कॉल करने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया। जो कोड्स हम लोग को लिखना पड़ रहा था, वन बाय वन हम लोग लिखते जा रहे थे, सबके सब वॉइड मेन के अंदर हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, वो सारे जो कोड्स है अब मॉड्यूल्स में वो बट गए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शंस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ उसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ सी फंक्शंस। बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम। हम लोग फंक्शंस को यूज करके बार बार सेम लॉजिक सेम कोड हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हम लोग बार बार उसको लिखने से बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन ए प्रोग्राम। ठीक है, हम लोग सी प्रोग्राम में कितने बार भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कितने बार भी हम लोग उसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई प्लेस ऐसा नहीं है हम लोग जहां उसको कॉल नहीं कर सकते, हम लोग कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं जहां पे भी हम लोग को उस कोड की जरूरत पड़ रही है। थर्ड पॉइंट है, वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। अगर हम लोग किसी भी सी प्रोग्राम को मल्टीपल फंक्शंस में अगर डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करना मीन्स कहाँ पे क्या कोड है। अगर मान के चलो किसी में एरर आ गया तो हम लोग वहां पे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो कोड हम लोग किसी और डेवलपर को देते हैं, ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया वो हम समझते हैं, अगर मैंने उस कोड को उठा के किसी को दे दिया तो वो एक बार में समझ जाएगा कि इसने इस फंक्शन में ये लॉजिक लगाया है, वो इजीली समझ जाएगा। तो हम लोग उस सी प्रोग्राम को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस। हम लोग एक बार कोड कर सकते हैं, उसको हम लोग फंक्शन में डाल सकते हैं और उस फंक्शन को हम लोग जितने बार चाहे उतने बार कॉल करके उसको रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। सी फंक्शन की मुख्य उपलब्धि जो होती है वो रीयूजेबिलिटी होती है, ताकि हम लोग एक बार कोड करें और बार बार उसको यूज करते जाएं। हाउ एवर फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ए ओवरहेड इन ए सी प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग जो होती है, अब फंक्शन हम लोग बना लिए उसको ऐसे रख लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, हम लोग को उसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग उसको कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे थे कुछ एडवांटेजेस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट, लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल सच एज स्कैनएफ, प्रिंटएफ, गेट एस, पुट एस, सील, फ्लोर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारे यूज किए हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट एस, पुट एस, गेट सी एच और पुट सी एच, पुट सी एच ई, पुट केयर, गेट केयर। इस टाइप से हम लोग पहले से बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शंस यूज किए हैं। तो वो सब लाइब्रेरी फंक्शंस जो है प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो हम लोग को सी कंपाइलर के द्वारा पहले से मिले होते हैं, रेडीमेड हम लोग को मिल जाते हैं, हम लोग को खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो पहले से प्रिंट एफ फंक्शन मिलता है,
अगर हम लोग को कंसोल स्क्रीन से इनपुट लेना है तो हम लोग को स्कैनफ फंक्शन मिलता है, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो गेटस फंक्शन मिल जाता है, किसी स्ट्रिंग को हम लोग को इनपुट लेना है तो हम लोग को क्या मिल जाता है, या फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो हम लोग को पुटस मिल जाता है, ठीक है। किसी वैल्यू को हम लोग को राउंड फिगर में करना है तो हम लोग को सील फ्लोर, इस टाइप का हम लोग को बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस मिल जाते हैं, बस हम लोग को क्या करना रहता है उसको कॉल करना होता है। जब हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज हम लोग लिख देते हैं तो क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग होती है। किस फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग, प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करते हैं। तो वो सारे लाइब्रेरी फंक्शन, तो हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन कभी भी खुद से डिफाइन नहीं करते, वो पहले से सी कंपाइलर के द्वारा मिला होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं इन बिल्ट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, इन बिल्ट फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। कुछ कुछ बुक्स में प्री डिफाइंड फंक्शन लिखा होगा, कुछ कुछ बुक्स में इन बिल्ट फंक्शन लिखा होगा, कुछ कुछ बुक्स में लाइब्रेरी फंक्शन लिखा होगा, तीनों का मतलब सेम है। जो भी हम लोग को सी कंपाइलर द्वारा मिलता है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, अगर पहले से हम लोग को कोई फंक्शंस मिलते हैं तो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में भी दिया हुआ है, वैसे अगर आगे चल के सी प्लस प्लस पढ़ोगे, शेल प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो और भी नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह भी देखेंगे तो उसमें सब में फंक्शंस बहुत सारे आज के जमाने में प्री डिफाइंड दिए होते हैं, ठीक है। जो नहीं दिए होते हैं वो बनाने होते हैं, ठीक है। जो पहले से नहीं मिलते हैं उसको हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, हम लोग अपने खुद के लॉजिक के अनुसार भी हम लोग अपने फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब जो यूजर है, यूजर अपना क्या दिमाग लगाने वाला है, अपना क्या लॉजिक बनाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर सो दैट ही शी कैन यूज इट मेनी टाइम्स, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइजेस द कोड, ठीक है। सी प्रोग्रामर जो होते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो अपनी सहूलियत के लिए उसको क्या करेंगे, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं। लाइक जैसे हम लोग बहुत, कोई अगर मैं एग्जांपल लूँ, हम लोग कोई एक प्लान बना रहे हैं, पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग संडे को घाटा रानी जप में ही जाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, हम लोग ने प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। मान लो 10 लोग हैं, जाने वाले 10 लोग, तो 10 लोग 10 अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, वो प्लेस डिसाइड कर लिया, वहां की बुकिंग्स वगैरह वो कर लेगा। सेकंड पर्सन जो है वो क्या करेगा, वो उसने गाड़ी बुक कर दिया। थर्ड पर्सन जो है वो फूड हैंडल करेगा, ठीक है। फोर्थ पर्सन जो है वो अदर सारी चीजें अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। फिफ्थ पर्सन जो है वो दरी वगैरह लेके आएगा, दरी लेके आएगा, डिस्पोजल्स लेके आएगा, पानी की व्यवस्था करेगा, ठीक है। सिक्स पर्सन जो है वो क्या करेगा, ठीक है, और भी कुछ सिक्योरिटी देखेगा या फिर कुछ और नेसेसरी चीजें होती है वो लेके आएगा, ठीक है। ऐसे उसको क्या करेगा, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, हम लोग 10 लोग को 10 अलग अलग चीज बता दिए, तो उससे क्या हो गया, हम लोग का जो एक बिग प्रोग्राम था वो सारे चीजें हम लोग ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस देर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए सी फंक्शन। फर्स्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड होता है फंक्शन डेफिनेशन, थर्ड होता है फंक्शन कॉल। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा अलग दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन किया जाता है, सबसे पहले एक फंक्शन की घोषणा की जाती है कि हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं। लाइक
अगर हम लोग किसी भी इवेंट की बात करें तो इवेंट का सबसे पहले क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। मतलब एक डिक्लेयर होता है कि मान के चलो 30 तारीख को एक फंक्शन होने वाला है। अब वो फंक्शन के अंदर क्या क्या होगा वो सारी बात की बातें हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइन करना मीन्स क्या होगा, उस फंक्शंस में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, हम लोग उसमें क्या ऐसा करने वाले हैं जिसको हम लोग मीन्स एक टास्क हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर हम लोग कर लिए, फंक्शन हम लोग डिफाइन भी कर लिए पूरा पूरा, ठीक है। अब बारी आती है फंक्शन कॉल की, ठीक है। जिस दिन भी फंक्शन होगा उस दिन सिर्फ बना हुआ है पूरा, सिर्फ उसको कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, ठीक है। सी प्रोग्राम में हम लोग को ग्लोबली डिक्लेयर करना होता है किसी भी फंक्शन को। ग्लोबली मीन्स हम लोग को मेन के बाहर में डिक्लेयर करना होता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। उसका फंक्शन नेम क्या होगा, फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग को पहले से डिक्लेयर करनी होती है, ओके। नेक्स्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में भी हम लोग यहाँ पे इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स वेन द फंक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो भी हमारे लॉजिक्स होते हैं वो सारे हम लोग इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर में लिखते हैं, और यहाँ से हम लोग को कौन सी वैल्यू रिटर्न होने वाली है। अगर फंक्शन कोई वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू भी रिटर्न हम लोग करेंगे, अदरवाइज वैल्यू नहीं भी रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग नहीं भी करा सकते हैं। तो इस टाइप के हम लोग यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन करते हैं। थर्ड आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फंक्शन को हम लोग कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेयर करते समय हम लोग जो पैरामीटर लिस्ट वहां पे लिखे हैं, जिस ऑर्डर में लिखे हैं, उसी ऑर्डर में ही हम लोग को वैल्यूज पास करनी होती है। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स है एक्चुअली वो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स वहां पे हम लोग पास करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग दो पैरामीटर वहां डिक्लेयर किए तो दो ही पैरामीटर पास करना होगा। अगर हम लोग कोई भी पैरामीटर नहीं किए, अगर हम लोग कोई भी पैरामीटर वहां पास कर देते हैं तो एरर शो करेगा। तो इस प्रकार से वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमारे तीन एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल, ओके।